अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लाइव एट नाइन। मेरा नाम है एनी और उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा और ईद की सारी थकन जो है वो दूर हो चुकी होगी और ईद भी आपके लिए अच्छी गुजरी होगी। कराची से हम शो आपके लिए प्रेजेंट करते हैं मंडे से फ्राइडे लाइव यहाँ के रात के 9 से 10:30 बजे तक। आप हमें दुनिया भर में देख सकते हैं एंड अगर बहुत सा गोश्त जमा हो गया है और आप कह रहे हैं अब हम क्या पकाएं, तो वी आर स्टिल गिविंग यू ऑप्शंस बिकॉज गुलजार साहब ने कहा कि चंद दिन और हम बीफ रिलेटेड, मीट रिलेटेड ऑप्शंस देते रहेंगे। तो आज जो है दो बहुत ही सॉलिड वाली डिशेस बन रही हैं और एक मसाला आप ऐसा सीखेंगे जो अगर आपने सीख लिया तो ना सिर्फ आपने बहुत से पैसे बचाए बट उसके अलावा एक यूनिक फ्लेवर आपके खानों में आ जाएगा। सो शेफ स्पेशल वाली चीज जो है ना वो गुलजार साहब ने आज इनकॉर्पोरेट की है। हमसे रब्ता करने के लिए आप 888-1 पे हमें SMS कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हो, दुनिया में कहीं भी हो हमारे फोन नंबर आपके स्क्रीन पर आते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा पेज है लाइव एट नाइन जिसके जरिए आपके सवालों के जवाब गुलजार साहब दे सकते हैं। हमारा भी एक सवाल होता है जिसका जवाब देके आप पा सकते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन होता है मसाला टीवी फूड मैक का वो जीत सकते हैं आप। एंड बस बहुत सी कुकिंग होनी है, जो मसाला है इट्स रियली स्पेशल, उसी से शुरू करेंगे। सबसे पहले बुलाते हैं ड्रेस लाइक अ काउबॉय टुडे आपके फेवरेट शेफ और एक्सपर्ट गुलजार साहब को। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? तो काउबॉय, टोटली काउबॉय, बस आपकी हैट की कमी है और एक रस्सी की कमी है। तो सर आपका कैसा गुजरा ईद का सारा? बहुत मसरूफ, बहुत रियली बिजी, रियली बस टाइम भी नहीं था शुरू में, तो दो दिन तो हमने यहाँ आना था, फैमिलीज में भी जाना होता है। आपके यहाँ भी दावत थी? कल का जो है, हाँ मेरे यहाँ भी दावत थी, तो कल का दिन मैंने जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो है ना गुजारा, उनके पास गया, उनकी दुआएं ली, तो दुआएं बहुत जरूरी होती है ईद के जमाने में लेना। तो इसी तरह से हम सलाम अलैकुम और जहाँ तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, और जिन तक हमारी जो ईद मुबारक नहीं पहुंचा है उन तक भी जो है ईद मुबारक पहुंचे, इसलिए कि ईद का सिलसिला तो जारी रहता है, ईद का असर जो है वो बाकी रहता है इंसान के ऊपर। होपफुली सिर्फ वैसे बाकी रहेगा, आपके पेट पर वजन पे नहीं रहेगा, कम से कम फ्रिज देख कर ही अंदाजा होता है कि गोश्त भी अभी ईद अभी तो माशाल्लाह काफी अच्छी ईद गुजरी लोगों की। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहे कि रेसिपीज के बारे में बहुत सारा लोगों ने पसंद किया और बहुत सारी तारीफें लिखी, बहुत शुक्रिया उन सबका। और जिन्होंने SMS किया, ईमेल की और लाइव कॉल्स की और जो फेसबुक पर भी जवाब दिए उनका भी, और जो ना कर पाए जिनकी कॉल नहीं मिली उन सब का मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक, ठीक है ना? यस सर, दिल से ईद मुबारक, ठीक है? ठीक है, तो ये है सिलसिला और आज हम जो है अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे एक मसाले से, और मसाला जो है गुलजार स्पेशल निहारी मसाला है और ये मैं बनाऊंगा बाकायदा यहाँ पर, ठीक है? और उसके बाद फिर हम कुकिंग की तरफ जाएंगे। तो मसाला तैयार करने से पहले हम आज का सवाल बता देते हैं। सर आप उठा के दिखा भी देंगे क्योंकि मुझे याद है दो खवातीन थी जिन्होंने कहा था कि उन्हों तलहार मिर्च उन्होंने देखी भी नहीं। अच्छा, देखी भी नहीं, ठीक है? तो ये है तलहार मिर्च और सवाल भी हमने इसी से मुंसलिक रखा है कि ये जो तलहार मिर्च है इसका दूसरा नाम क्या है, कश्मीरी मिर्च कहते हैं इसको या राजस्थानी मिर्च कहते हैं या बकरा मिर्च या, चले ठीक है, तीन ऑप्शन हम दे रहे हैं और काम आसान कर रहे हैं, बकरा मिर्च, कश्मीरी मिर्च या राजस्थानी मिर्च, दैट्स आवर क्वेश्चन आज का। तो मैं अक्सर वैसे कहता रहता हूँ और अगर किसी ने मेरे प्रोग्राम को देखा रेगुलरली अगर आपने देखा है तो लाजमी उनको पता होगा कि तलहार मिर्च के अलावा इसका नाम क्या है, क्या है? अच्छा जी, यहाँ पर हम मसाले जो बनाने जा रहे हैं पहले मसालों को हम बता देते हैं, उसके बाद फिर इसकी क्वांटिटी बता दी जाएंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे ताकि मसालों में भी जिस तरह से ड्राई फ्रूट होता है हम काफी अर्से तक थैलियों में बोरियों में बंद होता है उसके अंदर एक महक पैदा हो जाती है, ठीक है ना? तो बासी महक, तो अगर आप मसाले पीस कर अपने पास रखना चाहते हैं घर पे तो थोड़ा सा इसको हल्का सा सेक लें, सेकने का मतलब सेकना है, इसको भूनना नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा अगर आपने ओवर इसको भून दिया और जल उस पर से धुआं निकलने लग गया तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, मसाला जो है वो आपके खाने को कड़वा कर देगा, ठीक है ना? तो हमने सिंपल पहले छोटी चीजों से शुरू करना है या बड़ी चीजों से शुरू करना है, या जैसे आप पहले मिर्चों को हल्का सा सेकना चाहते हैं तो पहले मिर्चें आप सेक लें ताकि बड़े बड़े पीसेस आपके पहले हो जाएं, ठीक है? उसके बाद फिर आप जैसे बारीक है सफेद जीरा है सौंफ है और तो हम बड़ी वाली से शुरू करते हैं, बड़ी वाली से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? तो चलते हैं और सबसे अच्छा, पहले दिस इज द गुलजार स्पेशल निहारी मसाला। जी, निहारी मसाला सही। और ये निहारी मसाला आप बना के अपने किसी एयर टाइट जार में रख सकते, जार में, इसलिए एयर टाइट कह रहा हूँ कि एयर टाइट जार में जो है ना इसकी महक जो होती है ना, खुशबू जिसको कहते हैं, एक्चुअल खाना जो गर्म मसाले या कोई मसाला डालते हैं उसकी खुशबू अच्छी होगी तो फिर आपका खाना भी अच्छा हो जाएगा। अगर वो आप ऐसी जार में रख दें जिसमें से उसकी महक चली जाए या खुशबू चली जाए
तो फिर वो खाना खाने में वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए कि निहारी जो है वो एक्चुअल बनता ही मसाला बेस्ड होता है, ठीक है, उसकी एक खास किस्म की खुशबू होती है जो निहारी की होती है दूसरे सालन से हटके। इसलिए मैंने सोचा कि मसाला पहले हम बनाना सिखा देते हैं। तो हमने लिया है 50-50 ग्राम दोनों मिर्चें, ये वाली तलहार वाली और ये छोटी जो गोल मिर्चें होती है ये वाली, इन दोनों को हम सेक लेते हैं और उसके बाद बाकी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे ना। ठीक है सर, ये मसाला और किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, निहारी का मसाला सिर्फ निहारी में होता है, इट्स अ स्पेसिफिक मसाला। हाँ, तो निहारी मसाला जो है वो निहारी के लिए ही इस्तेमाल होगा। इसलिए निहारी के मसाले में जो चीजें डलती है वो कोरमे वाले मसाले में नहीं डलती, ठीक है ना। तो इसलिए निहारी मसाला जो है वो थोड़ा सा दूसरे मसालों से डिफरेंट होता है, ठीक है। इस तरह सेक लेंगे तो इसकी जो असल खुशबू है वो आपकी जो है आना शुरू हो जाएगी इसमें से, और उसके बाद आपको जो है ना जब आप खाना बनाएंगे तो उसके अंदर फ्लेवर जो है उस मसालों का सही मानों में आने लगेगा। इसलिए कि जो कुन्ना बनता है मैंने वो मसाला भी सिखाया है, तो उसका अलग मसाला होता है, कोरमे का अलग मसाला होता है। आपने एक दफा एक गरम मसाला बनाना बताया था, आपको याद है काफी अर्से पहले, एंड उसमें आपने ऑप्शंस दिए थे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। सही बात है, वो मसाला तो आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक पेस्ट बनाना सिखाया था मैंने सर, आपने 6 पेस्ट बनाना बताया, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुख्तलिफ किस्म के एक ऐसा स्पेशल पेस्ट बनाना सिखाया था जो आप किसी भी खाने में डाल लें, लाइक द रेड करी पेस्ट आपने कहा था कि हम किसी में भी डाल सकते हैं। ये हल्का सा हमने सेका, ज्यादा एक मिनट हमने इसको सेका होगा। अगेन भूनना नहीं है, सिर्फ सेकना है। इस तरह सेकते जाएं और एक जगह पर जमा करते हैं। अब हम जाते हैं काली मिर्च, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ले लें, 2 बादियान ले लें, बादियान के फूल, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे पास जायफल और जावित्री, नहीं जावित्री नहीं है, जायफल है सिर्फ, निहारी में जायफल की खुशबू जो है ना वो ज्यादा वो होती है, और बड़ी इलायची, बड़ी इलायची 2 जायफल ले लें, और ये है ना जायफल गोल वाला, ठीक है। और इसको आप इसी तरह से सबको हल्का हल्का सेक सेक कर एक जगह जमा कर लें, उसके बाद हम पीस लेंगे मसाले को, ठीक है, ताकि मसाला हमारा। अच्छा, और ना सिर्फ आप निहारी का मसाला बनाना सीख रहे हैं, गुलजार साहब इज आल्सो गोइंग टू टीच यू कि इसी को इस्तेमाल करते हुए निहारी कैसे बनेगी, और फिर स्टू जैसी काफी फरमाइशें भी हैं, और स्टू एक ऐसी डिश है विच इज नॉट टू देसी, राइट, वो भी आप बनाना सीखेंगे। एक्चुअल स्टू शुरू हुआ इंग्लिश खानों में, ठीक है, इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का मतलब ये इंग्लैंड वगैरह की साइड से या स्कॉटलैंड वगैरह की साइड से ये स्टू का जो है रिवाज हुआ, और उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बनाया जाता है, ठीक है। हम जो आज बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा देसी स्टाइल का स्टू है, ओके, जिसके अंदर मसाले थोड़े खड़े होते हैं, खड़े मसालों के अंदर होता है, ठीक है। ये हल्का सा इसको भी भून लिया हमने, जायफल, बड़ी इलायची और काली मिर्च, ठीक है ना, इसको हमने भून कर ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम जाते हैं बारीकियों पे, ठीक है, क्वांटिटी इसकी भी बता दी, 50-50 ग्राम लाल मिर्चें दोनों वाली और 2 जायफल, 4-5 अदद जो है बड़ी इलायची और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च और 2 बादियान के, 2 बादियान के पत्ते, ठीक है। अब 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें काला जीरा, ओके, सौंफ 2 टेबलस्पून, ठीक है, और 6 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें सफेद जीरा सौंफ और काला जीरा, ठीक है, इसको भी हमने। अच्छा सर, इनमें से कौन सी चीज होती है जिससे निहारी का रंग निहारी जैसा होता है? यू नो हाउ निहारी इज नॉट ब्राउन रेड एंड इट्स लाइक मरून स्लैश रेड, तो ये जो बड़ी वाली मिर्ची है ना इनका रंग होगा, तलहार मिर्च का जो कलर होता है वो आएगा निहारी, बिल्कुल, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा सेक लिया इसको इस तरह से, वैसे आप चाहे तो चमचे से भी सेक सकते हैं, ठीक है। इससे ये होता है यक्सा जो हम टॉस कर रहे होते हैं यक्सा इसके ऊपर हीट पड़ रही होती है, ठीक है। अब इसको हमने ये निकाल लिया, ये सारे मसाले एक जगह पर हो गए, ठीक है। और एक चीज हमने नहीं भूननी है वो है टाटरी, टाटरी टेस्ट किया कभी आपने? आई डोंट थिंक मुझे टेस्ट करनी चाहिए, खट्टी सी होती है। अच्छा, इससे गलाते भी है ना, मेरी जबान तो नहीं गलेगी सर? नहीं, एक टीस्पून ये हम शामिल कर देंगे इसको। ये तौबा। अच्छा, तो इसको हमने सब चीजों को पीस लेना है, ठीक है ना, ठीक इस तरह मशीन के अंदर, और बिल्कुल बारीक पीस लें ताकि ये जो है आराम से अपना एक पाउडर बन जाए। पाउडर बनाकर भी दिखा दूंगा कि किस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये होगा गुलजार स्पेशल निहारी मसाला, एंड उसके बाद हम निहारी भी आपको बनाना बताएंगे, बॉन्ग निहारी बनेगी और फिर बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं,
और बॉन का गोश्त कहाँ से निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। हाँ सर प्लीज बता देगा, बिकॉज आई वाज मैं कह भी रही थी व्हाट्सएप पे कमेंट का बॉन क्या होता है। हाँ। सो आप आज बता भी देगा हमें। सवाल जो है वो ये है कि जो अभी इतनी बड़ी सी रेड कलर की मिर्च इस्तेमाल हुई थी, तलहार मिर्च इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, राजस्थानी मिर्च या फिर कश्मीरी मिर्च या फिर बकरा मिर्च? मैंने ऐसे ऑप्शन आपको दे दिया था। हमारे साथ रही आते हैं चंद मिनट में, दिस इज लाइव एट नाइन। वेलकम बैक टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। लाइव एट नाइन आप देख रहे हैं। गुलजार साहब आपको आज पहले बनाना बता रहे हैं कि गुलजार स्पेशल निहारी मसाला कैसे बनता है, फिर बताएंगे कि वो निहारी में कैसे इस्तेमाल होता है और अलग से बोंग स्टू भी बनेगा। सवाल हमने आज जो पूछा है वो ये है कि तलहार मिर्च का दूसरा नाम क्या है, इज इट कश्मीरी मिर्च या इज इट राजस्थानी मिर्च? ये हमने आपसे पूछा है। आके देख लीजिए कि मसाला जो है वो किस फॉर्म में आ गया है। रोक दिया था मैंने, कहा आप अपनी बात कर लें, इसके बाद जो है ना तो आधा तो मैंने पीस दिया है, बाकी और किस तरह ठीक है, अल्टीमेटली इस फॉर्म में फिर आ जाएगा। तमाम अज्जा जो थे गुलजार साहब ने अलग अलग भूनना नहीं है सेकना है, ठीक है ना। अब जिस तरह से जब पीस रहे होते हैं हम मसाले को, देखें इस तरह से ऊपर की तरफ ये जमा हो जाता है, तो इसको आपने चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पीसने में आसानी हो जाए। इसलिए कि मोटा मोटा अगर रह गया तो फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा। और हम क्या करते हैं कि जब पीस रहे होते हैं हम समझते हैं शायद एक दफा हमने डाल दिया है तो वो सारा पिस जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको आपको मिक्स करना जरूरी है और इस तरह से आपने चारों तरफ से, बाकी चीजें क्या होता है जब जो बारीक पिस चुकी होती है वो चिपक जाती है इसके साथ में, ठीक है, दीवारों के साथ इसके, तो उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद दोबारा से इसको और कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो हमने पहले जब डाली तो लाल मिर्चें डाली थी ना जी, उसका कलर रेड आ गया था। हाँ, तो अब क्या है कि जब आप मसाला पीस लें उसके बाद फिर तमाम बहुत से कलर्स थे इसमें, काला जीरा भी था, सौंफ भी थी, बिल्कुल। उसके बाद आप क्या करें कि इसको आपने तमाम को मिक्स कर लेना आपस में, ठीक है, इस तरह से। तो ये कलर जो है ना सारे जो रेड कलर और ब्राउन कलर सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और सारे इतने स्ट्रॉन्ग मसाले थे कि खुशबू जो है अब इट्स वेरी प्रोनाउंस्ड, ठीक है। ये है मसाला हमारा तैयार हो चुका है और अब हम आ जाते हैं बॉटल के ऊपर। और बॉटल जो है कहने को सर ये दोनों एयर टाइट है, मगर इनमें से कौन सी बेहतर है? ये जो है कहने को एयर टाइट होती है, लेकिन ये फैशनेबल बॉटल है, एयर टाइट नहीं है। इस पे प्लास्टिक लगा तो होता है, ठीक है, और कहते हैं कि एयर टाइट है, लेकिन ये क्योंकि रबर की वजह से इट्स नॉट द बेस्ट, टाइम आ जाता है कि इसके अंदर से ये हवा निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये एयर टाइट नहीं हुई, ठीक है। ये जो है ये बेहतर है, कुछ भी हो जाए ये आप बंद कर रहे हैं ना अच्छी तरह से बंद कर, राइट, कस जाएगी, सो हम इसमें स्टोर करें, स्टोर करें। और अगर बहुत ज्यादा आप अच्छी तरह रखना चाहते हैं तो एक प्लास्टिक का पीस ले लें, जो थैली होती है प्लास्टिक स्क्वायर वाली, उसका एक पीस लेकर, ठीक है, और उसको पहले इसके ऊपर रखें और फिर बंद करें, रखकर और उसके ऊपर से फिर ढक्कन को बंद करें, वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा सील हो जाए। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे, ठीक है, सो दिस इज अ गुड बॉटल, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसाला तैयार हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अपने निहारी की तरफ। निहारी में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो मैदा या आटा आप लेते हैं चक्की का, उसको पहले भूनना जरूरी है, बगैर भूने जो है ना निहारी टेस्ट नहीं आता है। तो निहारी के लिए हमने वैसे तो एक कप मैदा लिया हुआ है, ठीक है, तो एक कप हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा इसलिए लेते हैं जस्ट इन केस, हाँ, भूनते हैं, जब आप भून रहे होते हैं ना तो भूनते वक्त ये क्या होता है कि अपने आपके बर्तन में ये चिपक भी जाता है, काफी जाया भी हो जाता है। वैसे एक से दो टेबल स्पून बहुत होता है मैदा इस्तेमाल करना, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम नारी कितने गोश्त की बना रहे हैं? ये तकरीबन हाफ केजी का हम बना रहे हैं, ओके, ठीक। और हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोन का गोश्त,
और अब बता भी जैसे कहाँ का गोश्त होता है, बोन का गोश्त? इसके लिए थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा मुझे। और आप डेमोंस्ट्रेट करेंगे? ठीक है, ये इस जगह का गोश्त होता है। अच्छा, मैं असल में सवाल हम पहले यही रख रहे थे कि बोन कहाँ होती है। अगर हम रान लिख देते ना तो रान तो पूरी हो जाती है, पूरी टांग। एक्चुअल रान ये वाले थाई जो होती है वो होती है आपकी रान, और ये जो पिंडली होती है, पिंडली कहते हैं, पिंडली कहते हैं इसको। इस जगह का जो गोश्त होता है ना वो बोंग, वो बोन का गोश्त होता है। बोंग 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 ठीक है। और सर आप ये क्यों, यही वाला गोश्त नहीं? वैसे तो आप किसी भी गोश्त से बना सकते हैं, लेकिन बोंग के गोश्त की निहारी जरा अच्छी होती, टेस्टी होती है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया कि बोंग के गोश्त की निहारी जो है वो बनाए, वो बनाएंगे। और पता भी चल जाए लोगों को कि आपके पास अगर बोंग का गोश्त है पड़ा हुआ उसके ऑप्शन क्या है। इस वक्त जब बकरीद पे तो वैसे गोश्त होगा काफी, तो उससे जो है आपको उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। ठीक है, और स्टू में भी बोंग ही इस्तेमाल। वंडरफुल, तो आपको ऑप्शंस मिल गए कि जो बोंग का गोश्त है आपके पास उसको किस तरह इस्तेमाल। इसलिए कि गोश्त तो हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ खानों के अंदर, लेकिन जरूरी है कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप अगर बोंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या टेस्ट आएगा, आम गोश्त का क्या टेस्ट आएगा। ठीक है, तो आई लाइक दैट आइडिया सर, क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ सिरी पाए बहुत सी रखी हुई थी, बिल्कुल, एंड आई कुडंट डिसाइड उससे बनना क्या है, तो अभी भी मुझे पता नहीं उससे क्या बनना है। पर मैं ये जरूर बताऊंगी, थोड़ा सा हट के बात है कि थर्सडे को यानी ईद के दूसरे दिन जो गुलजार साहब ने आपको बलोची मटन लेग बनाना बताया था वो मैंने कहा था मैं उसी दिन ट्राई करूंगी, एंड आई डिड। और मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि नमक ज्यादा लग रहा था मुझे सिरके की वजह से, बट इट टर्न्ड आउट परफेक्ट। और मुझे कोई डेढ़ घंटा तक उसको रखना पड़ा था रोस्ट होने के लिए, बिकॉज मेरा ओवन अच्छा सा नहीं है, बट इट टर्न्ड आउट नाइस। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप ट्राई करें। तो ज्यादा नमक और सिरका जो हम डालकर डुबोते हैं, एक्चुअल मकसद हमारा ये होता है कि ये डूबे रहे, इसके अंदर सारा फ्लेवर चला जाए, फिर हम उसमें से निकाल लेते हैं, बाकी चीजें जाया कर देते हैं, नमक और जो सिरका होता है, उसके बाद हम उसको स्टीम करते हैं, उसके बाद हम उसको बेक करते हैं, तो वो जो जितना उसको टेस्ट लेना होता है वो ले चुका होता है। ले चुका होता मुझे है। बस वही टेंशन हुई थी क्योंकि वो लाहौरी नमक उसमें डाला था, और फिर पूरे बड़े से सिरके की बोतल, मगर नहीं था उसमें नमक ज्यादा, तो यही वजह। देखिए हल्का सा कलर इसका जो है वो हो गया, पहले व्हाइट व्हाइट सा था, राइट, अब हल्का सा जो है ना व्हाइट सा हो रहा है, बिल्कुल। बस इस पे आप इसको रोक लें, हटा लें, और फौरन ही जो है ना इसको आपने जिस बर्तन में आपने इसको पकाया है, भूना है, उससे आप फौरन हटा दें, वरना ये थोड़ी देर तक अगर आपने गरम बर्तन पे इसको छोड़ दिया तो इसका कलर और नहीं, कलर और डार्क हो जाएगा। डार्क अगर इसका कलर हो गया तो फिर आपका जो आपकी जो निहारी है उसका कलर भी डाल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं पॉइंट, ये सारे फॉलो करना है आपने। अब हम चलते हैं अपनी बेसिक निहारी की तरफ और स्टार्ट। तो अभी टाइम ब्रेक का भी हो गया, राइट, तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक चले जाते हैं, एक साथ करें, वापस आने के बाद फिर बता देते हैं। ठीक है, तो आई नो आपको बहुत इंतजार है, जल्दी से निहारी बनी, इसलिए जल्दी से हम लेते हैं ब्रेक। सवाल आपको फिर से बताते हैं, जो तलहार मिर्च इस्तेमाल हुई उसका दूसरा नाम क्या है, कश्मीरी मिर्च कहते हैं या राजस्थानी मिर्च कहते हैं या बकरा मिर्च या बकरा मिर्च कहते हैं? दैट्स योर थर्ड ऑप्शन। हमारे साथ रहिए, आते हैं चंद मिनट में, दिस इज लाइव एट 9। वेलकम बैक। तेल डाली थी, जाती हो जाती मसला जाता। आदाब, लाइव एट 9 आप देख रहे हैं। गुजरात साहब ये देखनी थी कि मैं कितनी डालूं, और exactly. मैं ये देख रहा था कि वो अच्छा नहीं, मैंने कहा कि बस ऑयल ज्यादा कम ना हो जाए। अच्छा ठीक, ऑयल का मामला है, बट गुजरात साहब आप निहारी बनाना शुरू कर रहे हैं। निहारी है तो फिर ऑयल थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमने ऑयल चढ़ा दिया है, और दो बड़ी प्याज ले ली हमने, और उसको हमने ब्राउन करना है, और उसके बाद फिर अच्छा मैंने क्या किया, बोन के गोश्त को ना जी सर पहले से बॉइल कर लिया है, थोड़ा सा लहसुन डाल के, एक वो दे देगी चिमटा ना, चिमटा छोटा वाला। अच्छा, बोन का गोश्त शक्लन किस तरह का होता है? वो इस तरह का होता है, ये देख लें, मस्कुलर सा इसके, हाँ इसके अंदर ना बीच में राउंड सा होता है, ओके, और इस तरह मोटा, बीच में से पतला इस तरह से, और इसके जब आप स्लाइसेस काटते हैं तो ये एक तो वेन्स छोटी हो जाती है, और ये पकने के बाद बड़ा जूसी सा, बड़ा मजेदार सा जो है ना। बोंग अभी गुलजार साहब ने आपको बताया, पिंडली या कैफ मसल जो होता है उसका गोश्त। सही बात है, तो ये है इसका, तो जाया ना करें, और ये उसकी यखनी है मेरे पास पड़ी हुई, और इसलिए कि जो अगर निहारी अगर आप यखनी के साथ बनाए, पानी ना डालें, गोश्त गलाते वक्त पानी ना डालें, ठीक है, यखनी में बनाए, तो उससे जो है ना आपका, आपकी जो निहारी है वो सही मानो में उसका फ्लेवर, मगर सर फिर वो स्टॉक जो है कौन सा स्टॉक है, यखनी का स्टॉक एक्सचेंज? अच्छा, नहीं मतलब आपने जो पहले बनाना बताया हुआ है बीफ स्टॉक, वही वाली रेसिपी? बिल्कुल, हड्डियां ले लें, ठीक है, अभी बकरीद में बहुत सारी हड्डियां आपके पास जमा हुई होंगी,
अभी तो हम इसलिए बॉइल करके मैं लेकर आया हूँ कि ताकि ये कि हम हमारे पास टाइम बच जाए हमारे पास, लेकिन आप यखनी तैयार करने के लिए थोड़ी सी हड्डियाँ ले लें उसकी, अपना यानी कि गाय की बकरे की जो भी आप जो भी निहारी बनाने जा रहे हैं उसके लेने के बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन डालें कूट कर और उसको चढ़ा दें पकने के लिए, ठीक है ना। आपने ऐसे बोला कि देर तक छोड़ना है, 4-6 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि बिल्कुल वो जो गोश्त है या हड्डियां बिल्कुल पीसेस में हो जाए, उसका सारा गूदा सब कुछ निकल आए, ठीक है ना। उसके बाद उसको छान लें, ठीक है। छानने के बाद जो है ना आप इस्तेमाल करें बच्चा जो हाँ, उसमें आप गोश्त गलाएं। अभी तो बॉइल्ड हुआ हुआ मेरे पास गोश्त, लेकिन आपने जो पानी डाल के हम गोश्त गलाते हैं उसको हमने पानी में नहीं गलाना बल्कि यखनी में गलाना, यखनी में गलाना। तो उससे जो है ना निहारी सही मानो में जो निहारी का फ्लेवर होगा फिर, इसीलिए मैं निहारी पे इतना जोर मैंने डाला हुआ है ताकि मसाले भी बनाए और यहाँ तक के आटे को भी मैंने भूनना अलग से आपको बताया, हर चीज बता रहा हूँ कि ताकि ये कि आप बिल्कुल वही वाली निहारी बनाएं जो आपको बाहर से मिलती है बड़े बड़े। सर ये कुछ डिशेस होती हैं, हम शायद देखने वाले एग्री करेंगे, जैसे निहारी हो गई, हलीम हो गई, पाए हो गए, जो कि हर एक से अच्छे नहीं बनते, नहीं बनते। तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि चलो बाहर से ही खा लें, बिल्कुल। और अब आपने घर पे मसाले भी बनाने और निहारी भी घर पे तैयार करनी है, आप इसलिए इतनी मेहनत करके मैं सिखा रहा हूँ जी। तो आपने अब बाहर से जो है ना बार बार नहीं खरीदनी। एंड देन अगर कुछ लोग देख रहे हो जो बोले कि भाई जब निहारी मसाला मिलता है तो आप घर में क्यों बनाए, आई थिंक उसके आंसर ये बिकॉज माना हर ब्रांड का निहारी मसाला है, बट यू डोंट नो कब से रखा हुआ है एंड पैकेट की चीज का वो मजा नहीं जो घर के मसालों से जैसे पुराने जमाने में होता है। जब इंसान की मेहनत किसी चीज के ऊपर लगती है ना, ये हमारे बड़ों का कहना भी है कि जब आप किसी चीज पे मेहनत करते हैं, बात लोग आजकल मैंने जमाना ये देखा कि लोगों ने किचन छोड़ दिया है, शॉर्टकट शॉर्टकट हाँ किचन को छोड़ दिया है, लेकिन अगर पुराने जमाने में अगर लोग किचन को छोड़ा करते थे, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, तो जो बुजुर्ग होते थे घर के वो नाराज हो जाते थे इस बात पे कि कहते हैं किचन से एक बरकत आती है। बरकत किस तरह से आती है कि आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके लेकर आते हैं, एक आपका सिलसिला बनता है, प्रोसेस है पूरा पूरा, फिर लाते हैं उसको बनाते हैं, फिर अपनी मेहनत लगी भी होती है, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि उसमें टेस्ट ना आए, राइट मेहनत रायगा नहीं जाती, नहीं आए। अब वही चीज आप बना बनाया ले लें और खा लें तो उसमें तो जाहिर बात है जो प्रोफेशनल बनाता है जी। वो बल्क में बनाता है, ज्यादा तादाद में मास कुकिंग होती है एंड वही बात है, वो कोशिश यही करता है कि जल्दी जल्दी सस्ती प्याज मिल जाए, जो दबी हुई प्याज है वो मिल जाए ताकि वो हम इस्तेमाल कर लूं मैं, ठीक है। ऑयल सस्ते सस्ता मिल जाए, ठीक है। क्वालिटी का फर्क नहीं है, सस्ते सस्ता मिल जाए, गोश्त भी सस्ते वाला इस्तेमाल कर लूं, ठीक है। यानी कि मैं किसी भी तरह से प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करके रखूं अपने, ठीक है। और जाना जो जैसा तैसा है बस मसालों से उसको फ्लेवर देकर काम चलाऊं और हम जैसे बेवकूफों को खिला दूं ताकि ये कि हम खा लें और उसके बाद उसके पैसे जो है खड़े हो जाएं, ठीक है। ये है मसला असल में, तो सीख लें घर पे बनाना आप। ये जो इतनी मेहनत से मसाला टीवी इतनी काविशें अपनी कर रहा है लोगों तक, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जी। जो लोग बैठे हैं उनको उन तक ये चीजें पहुंचा रहा है, उससे बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए पूरा राइट, ताकि जो हमारी मेहनत है वो रायगा ना जाए, ठीक है ना। इस तरह से ये है एक्चुअल, ठीक है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सवास अहमद ने पूछा है कि आलू बुखारी की चटनी में डलती तो मेलन सीड्स है, मगर अगर उनको ना मिल रही हो तो क्या वो सेसमी सीड या पंपकिन सीड इस्तेमाल कर सकती है मेलन सीड के बजाय? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फर्क नहीं होगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स लेकिन मजबूरी है तो उसकी जगह पर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। सर मुल्तान से हमारे साथ, और आप ये मुल्तान से कॉल लेने से पहले मैं बताऊँ ये चमचा मैं जो मुस्तकिल हिला रहा हूँ ताकि मेरे जो प्याज का कलर है वो एक जैसा रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म हो, कहीं व्हाइट रह जाए और कहीं पर, ये है सारी टेक्निक, ठीक है। हमजा फ्रॉम मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे। आपका प्रोग्राम भी मुझे बहुत पसंद है, शुक्रिया। बस मैं ये कहना चाहता था कि आपका मैं प्रोग्राम इंतजार जरूर देखता हूँ। अच्छा ठीक है, इस टाइम का मैं बेहद इंतजार करता हूँ, और ये कैसे भी फिर वो घर वाले मुझे बना के खिलाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे हमजा? हाँ जी जी, आवाज बहुत कम आ रही है जी। हम कह रहे हैं आप कोई फरमाइश करेंगे, कुछ हम बनाएं ना, पहुंची आवाज, बताएं क्यों हमजा ने मुल्तान से कॉल की थी, वी अप्रिशिएट इट। सर आपने चूल्हे से उतार के हमजा, और इंशाल्लाह जरूर कॉल कीजिएगा दोबारा, चूल्हे से मैंने हटा दिया, हटा लिया प्याज,
कि अब उससे ज्यादा अगर चूल्हे पे रखा रहता तो प्याज का कलर काला हो जाता, ठीक है। उसके फौरन बाद मैंने हटाने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसमें बोश शामिल कर दूंगा, ठीक है। बोंग इस्तेमाल हुई है, बोंग इस्तेमाल 1/2 kg हमने ले ली, ठीक है। और अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, ठीक है, नहीं डाला हुआ नमक, ठीक है। बॉयल्ड थी ये बोंग, जैसा हमने आपको बता दिया, और 1/2 kg, ठीक है। और इस तरह से आपने बोंग का गोश्त डालने के बाद, और ये वैसे कच्चा डालेंगे आप, मैं तो भून यानी कि बॉइल्ड डाल रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है, इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जब कच्चा डालेंगे तो उसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और भूनते वक्त जब इसको भून लें, गोश्त जब अपना कलर चेंज कर ले, कच्चे गोश्त का कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आपने इसमें नमक शामिल कर देना है हसब जरूरत, और इसके साथ आपने इसमें डाल देना है जो मसाला हमने तैयार, ठीक है। हमने अभी आपके सामने बनाए हैं गुजार स्पेशल निहारी मसाला, और 2 टेबल स्पून 1/2 kg गोश्त में, 2 टेबल स्पून, 1 kg में 4 टेबल स्पून, ठीक है, 1/2 kg में 2 टेबल स्पून, ये इस तरह से डालेंगे भरे हुए, ठीक है, ये फुल वाले, ठीक है, ठीक है। ये डाल दिया आपने, चूल्हे को दोबारा जलाया और उसको हल्का सा भूना, ठीक है। ये देखो यूएसए हमारे साथ लाइन पे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, एजाज खान बात आपसे। जी खान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। मैं भी शेफ हूँ गुजरात का। जी सर मुझे भी कुछ अंदाजा है आप। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छे प्रोग्राम देखता हूँ आपका। जी जी, बल्कि जब आप किसी जमाने में एक और चैनल से आया करते थे, जब से मैं देख रहा हूँ। ओह मां थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह इंप्रूवमेंट काफी है लहजा को, लहजे में भी और कुकिंग में भी, ठीक। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। और एग्जैक्ट से आपका भी प्रोग्राम मैं देखता हूँ, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छे कुकिंग करते हैं आप। जी जी बिल्कुल, और ग्रेड वाइज अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं उनको नंबर 1 और आप नंबर 2 में लाता हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, चले। अच्छा अभी आपको इतने लोगों से पूछ, आप एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, शेफ हैं? जी 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 पूछिए। हेलो हेलो, ओह सॉरी ड्रॉप हो गई। ओह देख मैं देखना चाहती थी इनका सवाल क्या होगा। मैं भी पूछ रहा था, ठीक है, बट थैंक यू फॉर द कॉल। गोश्त तो बॉइल था तो इसलिए हमने ज्यादा देर तक नहीं भूना, अगर हम ज्यादा देर तक भूनते तो फिर उसका वो खत्म हो जाता। अब मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब मेरे पास यखनी थी, वो डाली आपने। पहले हमने प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद हमने इसमें मसाले डाल दिए, नमक डाला और गोश्त को हल्का सा भूना, भूनने के बाद हमने इसमें यखनी शामिल कर दी। अब मैं इसको पकने के लिए साइड पे, और आप देखें आपने अभी स्क्रीन पे देखा, द कलर इज लाइक अ परफेक्ट मरून रेड, अब डार्क नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने पकने देना है थोड़ी देर तक, ताकि गोश्त तो बॉयल था ना जी सर, उसमें फ्लेवर तो था ही नहीं, राइट। अब थोड़ी देर तक हम इसको ढक्कन लगा के पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद आखिर में हमने इसमें जो आटा हमने भुना हुआ है, राइट, उसको थोड़ा सा पानी में घोल कर फिर डाल देंगे, ठीक है। और उससे वो नहारी वाली लुक आएगी, मुझे खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, और कलर फिर दिखा देता हूँ। इट्स अ नाइस रेड, दैट्स द की, यही मैं रंग आपको दिखाना चाह रही थी, बिकॉज नहारी का रंग बाकी तमाम सालन और शोरबों से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर चाहें तो बाद में आप, बाज लोग इसके ऊपर बघार भी लगा देते हैं, वैसे बघार की जरूरत नहीं है, सिंपल ये आपकी निहारी जो ओरिजिनल होम मेड निहारी जिसको कहते हैं ना, वो तैयार हो जाएगी और हो जाएगी। अब सिर्फ आप इसके अंदर बघार लगाएंगे। अब मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा स्टू की तरफ से, स्टू की तरफ। स्टू में हमने ये किया है कि आलू लिए, अच्छा चलें ब्रेक का टाइम हो चुका है तो सर अज्जा पहले बता दें, फिर हम लेते हैं। स्टू हमने लिया है, स्टू के लिए हमने 2 जो है ना आलू लिए हुए, स्टॉक है चिकन स्टॉक ले लें या बीफ स्टॉक ले लें, गाजर है, टमाटर है, ब्राउन प्याज है, नमक है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च कुटी हुई है, वही बोन का गोश्त है थोड़े छोटे पीस में, उसमें बड़े पीसेज में था, अदरक लहसुन का पेस्ट है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची है, लाल मिर्च है साबुत वाली, ठीक है ना, और दालचीनी। तो ये साबुत लाल मिर्च जो है ना स्टू का एक बड़ा अच्छा सा वो आता है, ठीक है। और स्टू जो है फिर गुलजार साहब ने आपको बताया, वैसे तो इट्स नॉट अ देसी डिश, मुझे इसको थोड़ा सा हम देसी फ्लेवर भी साथ में देंगे। ब्रेक ले लें सर, बिल्कुल ले लें। सवाल आपको फिर से बताते हैं, जो सलहार मिर्च गुलजार साहब ने निहारी के मसाले में इस्तेमाल की जिसकी वजह से एक अच्छा सा रेड कलर आया हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है? क्या इसको राजस्थानी मिर्च कहते हैं, या इसको कश्मीरी मिर्च कहते हैं, या तीसरा ऑप्शन डिस्ट्रैक्टर के तौर पे आपको दिया गया कि बकरा मिर्च कहते हैं? हमारे साथ रहिए, फेसबुक पे जवाब दीजिए, कॉल कीजिए या 888 पे SMS करें। दिस इज लाइव एट 9।
वेलकम बैक टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. लाइव एट नाइन आप देख रहे हैं और आज जो है गुलजार साहब ने पहले आपको बनाना बताया निहारी मसाला घर में स्क्रैच से, और फिर उसको निहारी में कैसे इस्तेमाल होते हैं वो आपने पूरा प्रोसेस डिटेल में देखा अगर आपने टाइम पे शो देखना शुरू किया हो. और अब जो है हम वही मसाला नहीं वही बोंग का जो गोश्त है जो कि पिंडली का गोश्त होता है उसको इस्तेमाल करके एक स्टू बनाएंगे. राइट सर. ठीक है. यहाँ पर जो है वो मैंने निहारी के लिए जो है उसको हल्की आंच पे चढ़ाया हुआ है. सर आपने अभी इसमें मैदा तो नहीं डाला? नहीं, अभी नहीं. जब तक ये अच्छी तरह से लुक एट रेड दिखा रहे हम ये. ठीक है. इस तरह से इसको मिक्स कर दिया हमने ताकि वो जो गोश्त गला हुआ तो है लेकिन उसमें फ्लेवर का जाना जरूरी है. तो तब जाकर वो जो है सही मानो इसका जो असल निहारी का फ्लेवर आएगा. अच्छा, बोंग अपना स्टू जो है उसको मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है. अगर आप कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तब भी वही तरीका होगा, और अगर जैसे मैं बॉइल्ड गोश्त से बना रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा बॉइल्ड नहीं किया हुआ है. ठीक है. सो टाइम बताएं अंदाजा. तकरीबन मैंने इसको जो है ना आधे घंटे के लिए बॉइल किया. तो आधे घंटे में ये होता है कि सॉफ्ट हो चुका होता है लेकिन थोड़ी सी कसर बाकी रह जाती है, तो जो अभी हम कुकिंग कर रहे हैं उसके दौरान और ये गल जाएगा. ठीक है ना. ठीक है. तो अब हम जा रहे हैं अपने स्टू की तरफ. स्टू में जाने से पहले फिर मैं मसाले दोबारा से बता देता हूँ. हमने लिए हैं अपना बोन का गोश्त छोटे पीसेस के अंदर आधा किलो. ठीक है. अदरक लहसुन का पेस्ट है, छोटी इलायची और लौंग है, इसमें दालचीनी है और लाल मिर्च साबुत. ठीक है. ये तमाम गोश्त के साथ पहले चला जाएगा, कच्चे गोश्त के साथ जाएगा. पार्ट वन. हाँ, ये कच्चे गोश्त के साथ चला जाएगा. उसके बाद हमारे पास जो है कुटी हुई जो है काली मिर्च है, लाल मिर्च पिसी हुई है, नमक है और गरम मसाला है. ठीक है. ये इसके बाद जाएगा जब गोश्त गल जाएगा. okay. कच्चा गोश्त अगर गल जाएगा, लेकिन हमारे पास बॉइल्ड गोश्त है तो कच्चा गोश्त जब गल जाए उसके बाद आप मसाले शामिल करेंगे. उसके बाद आपने टमाटर, गाजर, ब्राउन प्याज, आलू और यखनी. यखनी आप चाहें तो इस तरह से चिकन क्यूब लेकर इसकी यखनी बना लें, या बीफ क्यूब भी मिल जाता है आप उसकी बना लें, या अगर आप आपके पास हड्डियां वगैरह हैं घर पे, गाय की हड्डियां हैं या बकरी की हड्डियां, उसको जिस तरह मैंने पहले बताया थोड़ा लहसुन डालकर उसको काफी अच्छी तरह से 2-4 घंटे के लिए बॉइल करें. ठीक है. और बॉइल करके उसकी यखनी बनाकर रखें. ओके. तो ये आपके बहुत सारे काम आएगी. सो आई हैव अ रियली क्विक क्वेश्चन. मुझे याद आ रहा है फेसबुक पर किसी ने पूछा था कि यखनी लीटर के हिसाब से आप क्यूब का रेशियो बताएंगे या एक क्यूब से कितना हमें बनाना चाहिए? दो क्यूब से एक लीटर यखनी बन जाती है. दो क्यूब से एक लीटर, दैट्स द रेशियो. वैसे तो ये एक हमारा प्रोसेस होता है, लेकिन आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं. तो वो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. वो फिर क्या होगा कि आपके खाने को जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेवर दे देगी या नमकीन कर देगी, यानी कि वो जो आपका टेस्ट है वो जायल हो जाएगा. समझ गए. तो नॉर्मल यखनी के लिए एक लीटर के लिए जो है ना दो क्यूब्स काफी है, हाफ लीटर के लिए एक क्यूब काफी. ओके. ठीक. तो ये है सवाल के जवाब आपके, और हम चलते हैं अपने चीजें मैंने बता दी कुकिंग की तरफ. सर शरीफा फ्रॉम USA. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. और ईद कैसी रही आपकी? आपको ईद मुबारक देने के लिए 2 दिन से टेलीफोन करी, मैं नहीं मिले, ऑनलाइन मिला था. अच्छा. शुक्रिया बहुत बहुत. आपको भी ईद मुबारक हो, और गुलजार भाई को भी मेरे तरफ से सलाम और ईद मुबारक. वालेकुम असलाम. वालेकुम असलाम. कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हूँ. आप आलू का चिप्स का बताए थे ना भाई, वो बहुत अच्छा बना था, उसका शुक्रिया बहुत बहुत. ओहो, थैंक यू. आलू के चिप्स फ्रेंच फ्राइज आपने पूछा था, बिल्कुल. कि किस तरह से बनाना? ठीक. और एक बात पूछने का है आपको. बिल्कुल पूछिए. वो चिकन का भी मैं फ्राई करता ना, वो सख्त हो जाता, उसका क्या करने का एक जरा आइडिया बताना. चिकन कौन सी वाली चिकन? वो चिकन वो जल फ्रेजी बनाए थे भी फ्राई कर लेते हैं. अच्छा अच्छा. और फ्राई चिकन करे तो भी थोड़ा फ्राई करते हैं ना, ऐसा. ठीक है. सख्त हो जाता है. और जी सख्त हो जाता. ठीक. अभी मैं आपको ऑन एयर बता देता हूँ. अच्छा. शुक्रिया आपकी कॉल का. एक्चुअली स्वीट से 2 दिन से ईद मुबारक कहने के लिए. हाँ एक्चुअल हम मैंने उस दिन एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि हम ज्यादातर जो है ना बोनलेस चिकन जो है ना सीने का इस्तेमाल करते हैं. right. तो वो गोश्त जो होता है अगर जरा सा भी आपने उशनिश की उसमें जल्दी तो वो क्या होता है सख्त हो जाता है. right. ठीक है ना. और कोशिश करें कि अगर रान के गोश्त को बोनलेस करके इस्तेमाल करें तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन अब फिर मैं बता दूं, अगर आधा किलो आपने चिकन लिया, आप चाहते हैं कि ये सख्त ना हो, ठीक है, उसको फ्राई कर रहे हो या चाइनीज स्टाइल में आप उसको कॉर्नफ्लोर लगाकर या अंडा लगाकर उसको फ्राई करके उसके बाद उसमें ग्रेवी वगैरह बनाना चाह रहे हो,
तो उसके अंदर एक चुटकी जो मेरी चुटकी है ना उससे आप उसमें ना बेकिंग पाउडर डाल दें। बेकिंग पाउडर उससे क्या होगा सर? सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। बेकिंग पाउडर चुटकी आधा किलो में, और अगर दो एक किलो है तो उसमें दो चुटकी आप बेकिंग पाउडर डालकर उसको मिक्स करें चिकन को, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद सारे मसाले लगाएं और उसको फ्राई कर लें, तो इंशाल्लाह वो सॉफ्टनेस आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। वो जो सख्ती होती है ना वो खत्म हो जाएगी। अब हम सख्ती पर नहीं, नरमी पे आ जाते हैं, स्टू पे आ जाते हैं। क्या क्या किया मैंने, ये किया कि इसमें आधा किलो बोन का गोश्त डाल दिया जो बॉइल्ड हुआ हुआ पहले से, इसके साथ मैंने लाल मिर्च साबुत डाली है 4-5 अदद, छोटी इलायची 4-5 अदद, लौंग 4-5 अदद, और इन सारी चीजों को इकट्ठे डालना है, ठीक है। दालचीनी की 2-3 डंडियां डाल दी हैं, और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये कच्चा अगर गोश्त बना रहे हैं तब भी इसी तरह बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि अगर कच्चे में भी डाल, क्योंकि हमने सिर्फ इसलिए बॉइल किया, हमारे पास वक्त कम होता है, बट बोथ वेज आपने ये डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर देते हैं ताकि ये जो इसका फ्लेवर है दालचीनी का, लाल मिर्च का, लौंग का, और थोड़ा सा डाल दें। ओके, बस। तो अब ये सारे फ्लेवर जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है, गोश्त के अंदर, कच्चे गोश्त होगा तब भी और पका हुआ गोश्त होगा तब, ठीक है। और सर स्टू को हमने फिर डाइल्यूट किया एक तरीके से, क्योंकि आपने आधा लीटर डाला है ना? हाँ, आधा लीटर डाला है। और हमने उसमें थोड़ा और पानी डाला। नहीं, आधा लीटर नहीं डाला मैंने, तो सिर्फ 2 क्यूब से जो बना ली थी, ठीक है, और फिर तो पानी मैंने और डाल दिया इसके अंदर। सही है। और अगर आप कच्चे गोश्त बना रहे होंगे तो उस वक्त आपने ज्यादा पानी शामिल करना, तकरीबन 1 लीटर डाल देना है। 1 लीटर में ये होगा कि वो जब पक कर तैयार होगा तो फिर आपको आखिर में कम ही हो जाएगा, फ्लेवर जो है ना वो कम होना शुरू होगा, जब तक गोश्त गलाते तक आपको कम होगा, हल्की आंच पे आप उसको पका रहे होंगे, ठीक है। ये जो लाल मिर्च वगैरह ये भी बिखर जाएगी, और जो गरम मसाले हैं उसकी भी खुशबू उसके अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टू सर फिर एक लिक्विड बेस्ड है ना, मतलब इसमें ग्रेवी ज्यादा है। ग्रेवी कहेंगे, सूप क्या बोलना चाहिए? ग्रेवी कहलाती है, ग्रेवी कहेंगे ना, सूप तो नहीं, सूप नहीं होता, ग्रेवी होगी, क्योंकि जिन लोगों ने स्टू ना खाया हुआ उनके लिए मतलब इसमें ज्यादा क्वांटिटी रहेगी लिक्विड। बिल्कुल, बाद में आप चाहें कम रख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। वैसे स्टू जो होता है थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसको आप राइस के साथ भी ले सकते हैं, आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, आप मुख्तलिफ चीजों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, और मसाले वगैरह कुछ नाम लो। हाँ बिल्कुल, आप ठीक है। अच्छा, हमारा जो सवाल है आज का वो है कि तलहार मिर्च का दूसरा नाम क्या है, क्या उसको कश्मीरी मिर्च कहते हैं या उसको राजस्थानी मिर्च कहते हैं? तो सर हमें कुछ सवाल जो मौसूल हुए हैं, जुहेर तारिक ने सवाल का जवाब दिया है, अवेस अहमद है, मारिया तनवीर है, गजाला नवाज है, ठीक है। फिर सर सैयद राशिद अली और उनकी बेगम रेहाना अली भी शो देख रही है, बिल्कुल। और हूर अजामी को मुझ समेत इंतजार है बेकिंग वाले डेज का, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि हम जल्द बेकिंग करें, ठीक है। और हूर अजामी साहिबा आपका मैंने मैसेज पहुंचा दिया, और मैं पुश कर रही हूँ, मैं भी बहुत अपसेट हूँ कि 3 हफ्ते से मुंह मीठा मंडे नहीं हुआ, पर इंशाल्लाह जल्द हम उस तरफ जाएंगे ना सर। असल में मसला ये है कि जो डेज चल रहे होते हैं हम उसी के हिसाब से अपने कुकिंग को जो है ना वो कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द आएगा, दोबारा से हम अपने रूटीन पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये बस यही 2-3 दिन और रह गए बकरीद के, ताकि लोगों तक जो है ना जो इतनी मेहनत से इन्होंने गोश्त जमा किया है कम से कम उनको आइडियाज मिल जाए कि चाइनीज वगैरह ये वो जो भी है बना सके। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो भुना हुआ हमारे पास आटा था वो ले लिया है, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। और मैं जब तक ये कर रहा हूँ आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम हो चुका है, ठीक है। आई होप यू नोटिसिंग अभी तक बिल्कुल अच्छा सा रेड मरून है हमारी निहारी का रंग। मैं अटेंशन इसलिए दे रही हूँ इस बात को बिकॉज निहारी को लगना चाहिए कि निहारी है, कोई दूसरा सालन नहीं है, सो इट्स अ नाइस रेड। ब्रेक हम लेते हैं, जिस मिर्च से ये रंग आया यानी तलहार मिर्च, उसका दूसरा नाम क्या है, क्या उसे कश्मीरी मिर्च कहते हैं या उसे राजस्थानी मिर्च कहते हैं, बताइए हमें। आते हैं खाना अच्छी तरह से है, अगर कच्चा छोड़ दिया मैदे को तो फिर आपके पेट में दर्द हो जाएगा, डेंजरस थिंग हो सकता है। मुस्तकिल चलाता रहूंगा ब्रेक के दौरान भी, ठीक है, और उसके बाद वापस आने के बाद आपको उसकी शक्ल दिखाते हैं कि निहारी कैसे तैयार हुई है। We'll see you in a few minutes. This is live at 9. तो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव एट 9, और उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और ईद से पहले जो सारी थकन थी ना, जो कि ईद में बढ़ी क्योंकि बहुत सा गोश्त जमा हुआ, फिर आप सुबह बैठ के सोच रहे होंगे इस गोश्त का मैं क्या करूं। जैसे मैंने सिरी पाए देखे, मैंने कहा ओ गॉड व्हाट डू आई डू, तो उस तरह बोंग का जो गोश्त है यानी पिंडली का या जो कैव्स का गोश्त है
उसको इस्तेमाल करके गुलजार साहब ने आपको निहारी भी बनाना बताई और स्टू जो है अब बन रहा है। एंड आई बिलीव हमारी निहारी तैयार है, तो हम देख लेते हैं कि वो जो रेड कलर था वो रहा कि नहीं रहा। और बिल्कुल रहा, परफेक्ट। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन, थोड़ा सा जो है ना प्याज और अदरक हमने डाल दिया। और ऐसे चाहे डाल दें, अलग से आप चाहें तो सर्व कर दें। ये हम गार्निशिंग के लिए हमने ऐसे ही आसान है, फिर मैं यूं जब निकालूंगी तो सब एक साथ ही आ जाएगा। आपने मसाला भी बनाना सीखा। गुलजार साहब ने आपको बताया कि घर में आप कैसे स्क्रैच से बना सकते हैं गुलजार स्पेशल निहारी। मसाला भी सामने रखा हुआ है, आप इंशाल्लाह जरूर बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको फिर एक, जो लोग बहुत अपने आप को कहते हैं ना कि यार हम बड़ी अच्छी निहारी बनाते हैं, तो जब ये मसाला बनाकर निहारी बनाएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। सही। यखनी और मसाले राइट, अगर ये वाले आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना जो है ना बिल्कुल उसका टेस्ट जो है सॉलिड वाली निहारी होगी, तो इंशाल्लाह आप उससे काफी कुछ सीख पाएंगे। सर, मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो मदर्स कढ़ाई हमने परसों बनाई थी, यानी कि दूसरे दिन वो फुरकान अली ने ट्राई की और उनके यहाँ बनी, अच्छी बनी। तो ही सर थैंक यू। फिर सर सैयदा असमा सभी ने फरमाइश की है पसंदों की, अगर आप पसंदे बना दें। और उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ फीडबैक। और जुनैद टंकी साहब है, उन्होंने कहा कि भाई स्टेक कहाँ गया जो कल बनना था। ये स्टेक को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, बनेगा तो ना। हम भी इंसान हैं, हमें भी छुट्टी चाहिए थी। हमें भी छुट्टी चाहिए थी, एक दिन की हमने छुट्टी कर ली है, वरना दोनों दिन ईद के हम यहाँ थे। और सर आप तो यकीन करें, जो आज टेम्पटेशन थी ना मुझे कि मैं छुट्टी करती। अच्छा, यू हैव नो आइडिया, बिकॉज कल की छुट्टी एक जब मिल गई तो फिर पता चला दिन की छुट्टी ऑटोमेटिकली चाहते हैं, पर मैंने कहा नहीं मैं आऊंगी। लेकिन वो दिन भी जो है ना हमारी छुट्टी का जो कल वाला था वो भी बुजुर्गों की खिदमत में गुजर गया, और जिनके यहाँ हम जाते हैं मिलने के लिए हमारे बुजुर्ग हैं और जिनकी दुआओं से आज हम इस जगह पर हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी जिंदगी दे। आमीन। और आप भी अपने बुजुर्गों की खिदमत करें तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस आपकी जो है ना मुकद्दर बन चुका होगा, आपके कदमों में आ जाएगा, ठीक है ना, जो आप चाहते हैं। तो वो दिन गुजर गया, अब फिर हम अपने काम पे आ चुके हैं। तो वो स्टेक को मैंने भूला नहीं, बनेगा ना सर। उसको मैंने क्या किया कि मंडे में डाल दिया, ठीक है, अगले आने वाले मंडे। क्योंकि सर ये जुनैद साहब जो है ना, इन्होंने अपने सेलफोन से अपलोड किया है। अच्छा, तो मुझे पता है कि ये इंतजार में थे, बिकॉज बड़ी अर्जेंट चीज होती है, तभी आप अपने मोबाइल फोन से जाके फेसबुक पे करते हैं। हमने तो इंशाल्लाह मंडे को हमारे डायरेक्टर जो है उनसे मशवरा किया हमने जी सर, और हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, इसको जायल नहीं करते, हम इसको ले जाते हैं अगले मंडे पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो हमने उसको मंडे पे, दो स्टेक्स है हमारे पास और दो अलग अलग स्टाइल के स्टेक्स है, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे उससे, ठीक है ना। तो बेफिक्र हो जाए, हमने गोल नहीं किया, ये नहीं हुआ कि हमने बना के खुद ही खा लिया, छुट्टी थी, वी वो मेक ऑन मंडे। फिर इसके अलावा फवाद अली नूरी वो भी शो देख रहे हैं, हमजा नईम, सबा खान, अरीबा खालिद, बुरूज खान और वजीहा इमरान, ये सब शो देख रहे हैं, सबका नाम शामिल हो गया। और खालिद साहब जो है उन्होंने SMS किया है कि आज गुलजार साहब की एनर्जी कम लग रही है और एनी बीमार लग रही है, तो अब हम क्या जवाब दें इनका। अच्छा सर, अभी सोच लें क्योंकि सऊदीया से कॉल है, तो पहले हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक ईद मुबारक होए, ऐसे बॉक्सिंग वाला ईद मुबारक। नहीं, वो असल में किसी ने कहा था कि एनर्जी आपकी कम लग रही है, तो मैंने कहा नहीं एनर्जी तो बिल्कुल सही है, एनर्जी बिल्कुल। और सुनाएं आप कैसी हैं? नहीं लग रही है, बिल्कुल सही। आप लोग कैसे, ईद कैसी हुई? बस क्या करें, गोश्त काट काट के जो है ना वो थक गए। और यहीं पे गुजरे, आपने देखे हमारे ईद के शोज सारे? देखे, बहुत अच्छे लगे और रिकॉर्ड कर करके देखे। थैंक यू। आपने एक और मुझे पता था कि कॉल नहीं मिलेगी ईद वाले दिन, इसे एडवांस में आप लोग आपने ईद मुबारक पहले ही दे दिया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसे कैसा रहा? अच्छा लग रहा है जी? ये पूछना तो बिल्कुल बेसूद है कि आपको न्यूयॉर्क में आपकी जो ईद जो है वो कैसे गुजरी, इसलिए कि मेरे भाई भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। शुगरलैंड। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा। न्यूयॉर्क नहीं ह्यूस्टन, मेरी अम्मा के उसमें रहती है। तो अच्छी रही आपकी ईद? बहुत अच्छी, बहुत मजा आया बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आज जो हमने निहारी मसाला बनाया ये तो सीख लिया होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सीखा। पहले क्या आपने बताया था वो नोट किया हुआ है? ठीक है, तो इसको फिर बनाए जल्दी से और जो है ना वो गोश्त वोश वहाँ। अच्छा, कुर्बानी वगैरह की आपने? हाँ हाँ, कुर्बानी तो हम पाकिस्तान में करवाते हैं। अच्छा, है। वहाँ पर कोई सिलसिला नहीं है अभी आपका? यहाँ पे है, सिलसिला तो है, लोग करवा लेते हैं, हो जाता है। ठीक है बहुत
अच्छा लगा। गुलजार वो पूछना था, सुनना एक मरतबा आपने बनाया था मट्टी की हांडी में। यस बिल्कुल मन बनाया तो था वो मट्टी की हांडी भाई, मैं अभी तक डर रही हूँ अपने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनाने के लिए। हाँ इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ना रखिएगा, मे बी टूट जाए। हाँ हाँ, तो चलो ठीक है, उसके टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर में यानी कि जो आग होती है ना उसमें बड़ा फर्क है, वो एकदम से आपको जो है ना नीचे से आग देगा तो वो टूट भी सकती है। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा गैस पे बना लें उसको। ठीक है, जब आप यहाँ आए तो फिर बनाइएगा। बट शुक्रिया आपकी कॉल का, एंड सोमिया ने हमें ईद से पहले कॉल करके मुबारक दे दी थी। अब मैं ये पोजीशन हो गई है, बिल्कुल पानी खत्म होने वाला है। एग्जैक्टली पानी जो है मतलब एक तिहाई शामिल कर देते हैं। काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, लाल मिर्च एक टीस्पून के करीब, इसलिए कि बड़ी वाली साबुत वाली मिर्च जो है ना मैंने डाली थी वो फ्लेवर उसका आ चुका है। गरम मसाला एक टीस्पून, राइट, एंड नमक, ठीक है, और उसके साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। और उसके बाद ये देखिए, ये तो कितना कम हो गया पानी, बिल्कुल कम हो मतलब गया, मतलब हमने इतना डाला था कि गोश्त आराम से डूबा हुआ था और अब बस बराए नाम बिल्कुल। अब ये हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगा आलू। सर ये आलू बॉयल तो नहीं है? नहीं, कच्चे आलू, कच्चे आलू है। ठीक है, ये हमने डाल दिए, इसमें हमने डाल दिया दो टमाटर, तकरीबन दो गाजर, ओके, ठीक है, और इसको किया मिक्स, ठीक है, और गोश्त तो इतनी देर में गल चुका होगा, right. और आप इसमें तो हमने बॉयल डाला हुआ है, आपका गोश्त गल जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है अच्छा, अब हम इस बात पे आके थोड़ा विल कमेंट ऑन द फैक्ट कि सब्जियां भी ऐड हुई हैं और क्या ये सब्जियां अपना शेप रखेंगी नहीं, तो सर ब्रेक हम ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, वी हैव बस अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, देखिए जस्ट स्टू कैसा तैयार होता है, आखिर में चेक के आपको नहारी का भी बताएंगे। उम्मीद है आपने नहारी मसाला भी बनाना सीखा है। आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे ब्राउन प्याज, ब्राउन प्याज हमारे पास है, एक प्याज हमने ब्राउन ली हुई है और इसको हम आखिर में शामिल कर देंगे जब सब चीजें गल जाएंगी पक जाएंगी तैयार हो जाएंगी। राइट बिफोर आई टेस्ट इट, बिल्कुल जब मैं चखने लगूंगी तब। ठीक है, होप रईस साहब सुन रहे हो। अच्छा ठीक है, आता हूं चंद मिनट में। बताइए सलहार मिर्च का दूसरा नाम क्या है, क्या उसे कश्मीरी मिर्च कहते हैं या राजस्थानी मिर्च? वो सी इन अ फ्यू मिनट्स, दिस इज लाइव एट 9। वेलकम बैक टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव एट 9 एंड आई रियली होप कि आपने 9 बजे से देखना शुरू किया हो, बिकॉज आज आपने न सिर्फ दो डिशेज बनाना सीखी वो भी अच्छी सॉलिड डिशेज लाइक स्टू एंड नहारी, मगर उसी नहारी का मसाला कैसे बनता है वो भी सीखा और चंद सवाल भी है, मगर उससे पहले सर आप स्टू के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, बस स्टू हमारा तैयार हो रहा है, इसके बाद हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि हमारा जो आलू और हमने इसमें। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज एरियल, मतलब वो जो गाजर और टमाटर क्यूब्स में डाला वो लगेगा और आलू और उसकी पकने से जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा लेस भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, और दरमियानी आंच या हल्की आंच पर इसको पकाना है आपने। ओके सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इरम कमाल ने शिकागो से पूछा है कि इनके यहाँ साबित सलहार मिर्च नहीं मिलती मगर उसका पाउडर फॉर्म मिलता है, ठीक है, तो क्या वो यूज कर सकती हैं? क्या नाम है? इरम कमाल। इरम कमाल आप यूज कर सकती हैं, लेकिन उसको फिर आप तवे पे मत भूनिएगा, उससे क्या होगा कि वो जो पिसी हुई चीज होती है पिसा हुआ मसाला होता है उसको अगर तवे पे भूने तो फौरन वो काला हो जाता है या उसकी टेस्ट लेस हो जाता है, तो उसको आप सारी चीजों को भूनने के बाद आखिर में उसको मिक्स करके और उसको मशीन में चला दीजिएगा साथ में, लेकिन उसका डालना बहुत जरूरी है। जो कलर हम निहारी का दे रहे होते हैं निहारी के कलर के लिए लाजमी है कि वो मसाला जो वो मिर्चें हैं कलहार मिर्च का पाउडर हो या साबुत हो वो डालना जरूरी है। तो मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी इरम, आप मेक्सिकन स्टोर्स में अगर देखेंगी तो मिलती है, मैंने देखी हुई, बट यू हैव टू गो टू अ मेक्सिकन स्टोर। लेकिन वो मेक्सिकन जो तलहार मिर्च जैसी एक शक्ल की वो ये नहीं होती, वो ये नहीं होती, वो बहुत तेज होती है, कलर तो अच्छा आता है लेकिन तेज बहुत ज्यादा, शक्ल एक जैसी है। हाँ लेकिन शक्ल एक जैसी है वो, ये वाली जो तलहार मिर्च है ये तेज नहीं होती, सिर्फ रंग कलर इसका जो है स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, ओके सो डोंट डू दैट, मैंने जो कहा उसको आप भूल जाए। अच्छा सर, फिर गजाला नवाज ने लिखा है कि अगर वो हमारे किचन के लिए पेंटिंग भेजें तो क्या हम लगाएंगे? बिल्कुल लगा देंगे, क्यों नहीं लगा, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो हमारे घरों के किचन या यहाँ सेट के किचन? मैं खाली सेट के किचन के लिए, देखो घर में ज्यादा अच्छी लगेगी ना, सेट तो कोई और भी इस्तेमाल करता है, बट यस वी आर ओपन टू द आइडिया। अच्छा फिर सर एक बहुत अहम सवाल है, इससे पहले कि मैं पूछूं और गुलजार साहब जवाब दें, प्लीज पेन और पेपर उठा लीजिए, बिकॉज माना रिकैप पेन और पेपर भी होता है आखिर में, मगर ये इस किस्म की चीज है कि इसमें ऊपर नीच हुई तो ऊंच नीच हुई तो फिर मसाला खराब हो जाएगा, तो सर आप प्लीज फूर अजामी और दो तीन और लोगों के कहने पे जो हमने गुलजार स्पेशल नहारी मसाला बनाया उसके अज्जा प्लीज फिर से बता दें। आप इतने इसरार कर रही हैं सर, मैं चाह रही हूँ आपकी आवाज में हो
होता है कि लोग दुख को सीरियसली ले लें। ठीक है, नो स्माइलिंग नथिंग। आप बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, बिकॉज ये जो नहारी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है अच्छे से रेड कलर की, इसमें डला है ये जी बादियान के फूल। हमने लिए साबुत 2 अदद, जायफल 2 अदद दरमियानी साइज के, छोटे ले लें या दरमियानी साइज के ले लें। साबुत लाल मिर्च गोल वाली, यानी कि जो छोटी गोल वाली मिर्ची होती है वो 50 ग्राम। साबुत लाल मिर्च बड़ी वाली यानी कि शिमला मिर्च, या उसको हम तलहार मिर्च कहते हैं, वो भी 50-50 ग्राम। यानी कि छोटी मिर्च जो है गोल वाली 50 ग्राम, तलहार मिर्च 50 ग्राम, टाटरी जो है वो 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची जो है 1 खाने का चमचा, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चमचा, साबुत काला जीरा जो है 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, सफेद जीरा 6 खाने के चमचे। ठीक है, ये थी आज की हमारी मसाले के मसाले सारे। ठीक है सर, आप इतने अच्छे वॉइस ओवर करते हैं, मेरे ख्याल से आप ही ना बाकी भी इन तमाम चीजों को, जो मिर्चे हैं उनको पहले आपने भून लिया, अलग कर दिया, एक प्याले में डाल दिया, फिर उसके बाद आपने गरम मसालों को भूना हल्का सा, उसके बाद उसको अलग कर दिया, फिर जीरे को भून लिया, सौंफ वगैरह को इकट्ठे डाल के भून लिया, यानी कि सब चीजों को आप भून कर हल्का हल्का, और उसको एक जगह पे जमा कर लीजिए। आप काहली में हर चीज एक साथ ना कीजिएगा, बिकॉज गुलजार साहब ने जिस तरह अलग अलग बताया वही उसी तरह से करना। और यहाँ पर मेरे ब्रेक पे का टाइम हो चुका है, ब्रेक पे जाने से पहले रिकैप की तरफ, यहाँ पर हमने देखा स्टू की आप शक्ल देख ली, गाजर पता चल रही है, टमाटर पता चल रहा है, बस अब उसको हम जो है डिश आउट करने से पहले ये हम प्याज जो है, एक हमने प्याज ली हुई है ब्राउन की हुई प्याज, और इसको हमने डाल के मिक्स करना है, और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको जो है दम पे जिसको कहते हैं छोड़ देना है। ठीक है, और ब्रेक से वापस आने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ओके, उतनी देर में आपको बता दें ये वो वाली ब्रेक है जिसका आपको इंतजार रहता है, जितना इंतजार आपको शो का रहता है, बिकॉज इसमें आपको पता चलेगा क्या क्या कब कब कैसे कैसे कितना कितना डाला। तो देख लीजिए, वापस आएंगे, चखेंगे, आपको बताएंगे कैसा रहा। स्टे विद अस, दिस इज लाइव एट 9। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव एट 9, और होपफुली आप शुरू से देख रहे होंगे, बिकॉज आपने सीखा नहारी मसाला बनाना, जो कि अभी हम डिसाइड कर लिए कि मैं घर ले जा सकते हैं ताकि मुझे इतनी मेहनत ना करना पड़े, बट दैट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। आपने पहले सीखा ये मसाला बनाना, नहारी मसाला, फिर उससे नहारी कैसे बनती है वो सीखा, फिर बोंग का गोश्त जो इस्तेमाल हुआ नहारी में उसी को आप स्टू में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ आपने सीखा इस डेढ़ घंटे। देखिए वो जो मैं कह रहा था ना कि यखनी से जब हम बनाते हैं, राइट, यखनी से आप नहीं बनाएंगे ना, नहारी के ऊपर ये जो अभी एक लेयर सी आई है ना, फिल्म आ गई ना, ये उसी वक्त आएगी जब आप उसमें वो इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक इस्तेमाल करेंगे या यखनी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, आप जब खुद बनाएंगे, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे किसी चीज के अंदर, मसालों में मेहनत करेंगे, तो आपका खाना ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। अब जो लाल मिर्च हमने डाली है इसमें साबुत वाली, पहले डाली थी ना जो शुरू में हमने, वो अब देखें फट गई है, ठीक है, तो उसका फ्लेवर जो है ना वो जब आ जाता है सालन में आ जाता है, गरम मसालों का फ्लेवर आ जाता है, तो इस तरह से जो है आप। एंड यू कैन ऑल्सो सी, ये वो एक ट्रिक खाने नहीं होता जो मैं अक्सर कहती हूँ कि जिसमें आपने अपने बच्चों को सब्जी भी खिला दी और बच्चों को पता नहीं चला, तो इसमें गाजर भी डली है, टमाटर तो खैर डलता है, आलू भी है, एंड आलू जो है अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल गुड। अच्छा विनर्स बता दें, चकवाल से फौजिया है और लाहौर से मिसेस जहीर है, लाहौर लाहौर है, चकवाल चकवाल है, और बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और जिन्होंने कोशिश की और नहीं हासिल कर पाए वो जरूर ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह जरूर आप हासिल कर पाएंगे। और सर मैं एक खास अनाउंसमेंट भी करना चाह रही थी, हमारे जो डायरेक्टर हैं इमरान, आज उनकी शादी की सालगिरह है जी सर, और मैं उनको मुबारक से जो है एक स्टू और थोड़ी सी नहारी जो है छोड़ दूँ वो आप ले जाइएगा, और इमरान बहुत मुबारक लवली वर्किंग, और ये जो शादी की सालगिरह होती है मैं तो वैसे नहीं मनाता, लेकिन ये पुरानी नहीं जो होती है उसमें तो मनाने मना ले, लेकिन पुरानी भी मनानी चाहिए वैसे, एक बात तो है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो दिन भी याद नहीं कौन सी तारीख को सालगिरह हुई थी। बहरहाल वो तो मोहब्बत होनी चाहिए सिर्फ, और यही आई एम श्योर आपका एक्सक्यूज यही होगा, मगर ऑन अ सीरियस नोट आप कौन दिन याद रखे, सही बात है। स्टू बनाने के लिए लीजिए बोंग का गोश्त 1/2 किलो, आलू बारीक कटी, गाजर और चिकन क्यूब 1-1 अदद, बारीक कटा टमाटर 2 अदद, लौंग और छोटी इलायची 3-4 अदद, साबित लाल मिर्च 6-8 अदद, ब्राउन प्याज 1/2 कप, दालचीनी 2-3 टुकड़े, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च 1-1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/2 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें गार्निश करने के लिए और नमक हसबे जायफा। बोंग स्टू बनाने के लिए एक पैन में हसबे जरूरत पानी, 1/2 किलो बोंग का गोश्त, 3-4 अदद छोटी इलायची, 2-3 अदद
दालचीनी, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदद लौंग, 6 से 8 अदद साबित लाल मिर्च और 4 खाने के चम्मच तेल डालकर गोश्त गलने तक पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो उसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, हसबे जायका नमक और 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च डालकर भून लें। फिर इसमें 1/2 कप ब्राउन प्याज, 2 अदद बारीक कटा टमाटर, 1 अदद आलू, 1 अदद बारीक कटी गाजर, 1 अदद चिकन क्यूब और हसबे जरूरत पानी डालकर मिक्स कर लें और इतना पकाएं कि गोश्त और सब्जियां गल जाएं। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो डिश में निकालें और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। मजेदार बोंग स्टू तैयार है। बोंग निहारी बनाने के लिए लीजिए बोंग का गोश्त 1/2 किलो, मैदा 1 कप, बड़ी प्याज 2 अदद, हसबे जरूरत तेल, नमक, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लीमू, यखनी 1 से 2 लीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मचे और गुलजार स्पेशल निहारी मसाला 2 खाने के चम्मचे। बोंग निहारी बनाने के लिए पहले 1 कप मैदे को अच्छी तरह भून लें। फिर एक पैन में हसबे जरूरत तेल गरम करके 2 अदद बड़ी प्याज को हल्का ब्राउन कर लें। अब इसमें 2 खाने के चम्मचे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 किलो बोंग का गोश्त डालकर अच्छी तरह भूने। इसके बाद 2 खाने के चम्मचे गुलजार स्पेशल निहारी मसाला डालकर 1 से 2 मिनट तेज आंच पर भूने और यखनी शामिल कर लें। जब गोश्त गल जाए तो पानी में मैदा घोलकर थोड़ा थोड़ा करके निहारी में शामिल करें और मिक्स कर लें। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो प्याज का बघार लगाएं। आखिर में हसबे जरूरत हरी मिर्चें, हसबे जरूरत हरा धनिया, लीमू और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। गुलजार स्पेशल निहारी मसाला बनाने के लिए लीजिए बादियान के फूल 2 अदद, जायफल 2 अदद, साबित लाल मिर्च गोल वाली 50 ग्राम, साबित लाल मिर्च 50 ग्राम, टाटरी 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 1 खाने का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, साबित काला जीरा 2 खाने के चम्मच, सौंफ 2 खाने के चम्मच और सफेद जीरा 6 खाने के चम्मच। तरकीब, पहले एक तवे या पैन पर 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद जायफल, 50 ग्राम गोल वाली साबित लाल मिर्च, 50 ग्राम बड़ी वाली साबित लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच टाटरी, 1 खाने का चम्मच बड़ी इलायची, 1 खाने का चम्मच साबित काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच साबित काला जीरा, 2 खाने के चम्मच सौंफ और 6 खाने के चम्मच सफेद जीरा डालकर भून लें। फिर इन्हें मसाला पीसने वाले ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। गुलजार स्पेशल निहारी मसाला तैयार है।